हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 23 से पार्षद अश्वनी शर्मा के दफ्तर में अचानक वार्ड की जनता ने भारी संख्या में पहुंचकर हंगामा कर दिया और पार्षद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखिए। हंगामे की ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 23 की, जहां पार्षद अश्विनी शर्मा के दफ्तर में पहुंचकर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पार्षद अश्विनी शर्मा पर पैसों के लेन देन का आरोप लगा है। वार्ड में रहने वाले लोगों का आरोप है कि अश्विनी शर्मा ने नगर निगम से नक्शा पास करवाने की एवज में कई लोगों से 25 लाख रुपए की रकम ली। इस पूरी रकम में से 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा किए गए, जबकि इसके अलावा 15 लाख रुपए की रकम कैश दी गई। अब आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेने के बाद भी मकानों का नक्शा अभी तक पास नहीं हुआ और अब इन लोगों को नगर निगम की तरफ से अवैध रूप से अतिक्रमण करने का नोटिस घुमा दिया गया है। जैसे बोला कि आप यहाँ पर कॉलोनी में मकान बना रहे हो तो उसके लिए आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। हम जो ठीक है नक्शा पास करा लेंगे, तो हम 20-25 लोग थे हमने, जिसके 50,000 किसी लाख रुपए टोटल करके मनी 25 लाख रुपए इनको इकट्ठा करके दे दिया उसको। बोले ठीक है। अब उन्हें 25 लाख देने के बाद में हमारे पे DTP का नोटिस आया कि तोड़ेंगे। हम तो जी हमने नक्शे पास के लिए फाइल के पैसे दिए हुए हैं। फिर पार्षद जी से बात कर वो करे नहीं है तो पहले दे और देने पड़ेंगे आपको पैसे। प्रदर्शन में पहुंची एक महिला का कहना है कि वार्ड नंबर 23 में जो भी रेडिया लगती है उनसे हफ्ता वसूला जाता है। महिला ने पार्षद पर आरोप लगाया कि पार्षद पुलिस को जेब में रखने की धमकी देते हुए महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। तो वहीं इस मामले में पार्षद अश्विनी शर्मा ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खुद को फंसाने की बात कही है। आज तक कभी किसी से कोई पैसे की कोई डिमांड या किसी पैसे की लेन देन की कोई बात हमने नहीं करी है। ऐसा है कि हम आपस में लेन देन, एक आदमी का बिजनेस या वैसे किसी प्रकार का कोई लेन देन है तो आज मेरे सामने बैठे बताएं क्या है, किस चीज का कौन सा अकाउंट के अंदर भेजे। और ऐसे आरोप लगाना मतलब इस तरह से पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने जो आज इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि आरोपी पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से